हेलो फ्रेंड्स गवर्नमेंट जॉब जैन नोटिफिकेशन चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स वार रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है टेंथ पास ट्वेल्थ पास आईटीआई होल्डर्स एंड डिग्री जिन्होंने की हुई है वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे अप्लाई कर सकेंगे ऑल इंडिया जॉब है परमानेंट जॉब है पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी उसके बाद परमानेंट भर्ती पोस्टिंग आपकी कर दी जाएगी एंड इसका नोटिफिकेशन लिंक अगर आप देखना चाहते हैं नोटिफिकेशन फुल डिटेल के लिए मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपके यहाँ पर क्लियर करूंगी डिटेल में देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी वहां से आप चेक कर लीजिएगा या फिर आप ऑफिशियल साइट पर भी चेक कर सकते हैं सो so अभी हम नोटिफिकेशन पर चलते हैं सो so ये मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ गई हूँ और ये जो नोटिफिकेशन है वो भावा एटोमिक रिसर्च सेंटर मैसूर से ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की चार जनवरी दो एंड इसकी जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो है बाईस एक दो हजार इक्कीस चार जनवरी से बाइस जनवरी तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले जो वैकेंसीज निकली हैं कैटेगरी फर्स्ट स्टेप एंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के लिए जो पोस्ट हैं टोटल हैं ग्यारह एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यू एस एंड अनिजर्व कैंडिडेट के लिए है स्टेप ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब आपकी ट्रेनिंग रहेगी उस टाइम पर आपको स्टेप दिया जाएगा सोलह हजार पर मंथ फोर फर्स्ट ईयर के लिए एंड जो सेकेंड ईयर दो साल की ट्रेनिंग रहेगी सो सेकेंड ईयर के लिए अट्ठारह हजार रहेगा आपका एंड यहाँ पर जो ट्रेड्स दिए गए हैं जिसमें वेकेंसीज है केमिस्ट्री केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से ओके okay, जो केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए बी एस सी केमिस्ट्री से मांगा गया है मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ एंड जो अदर पोस्ट हैं अदर ट्रेड्स हैं उसमें डिप्लोमा मांगा गया है इंजीनियरिंग में थ्री ईयर्स का आफ्टर टेंथ टेंथ के बाद और अगर आपने ट्वेल्थ किया है तो टू इयर्स का ओके okay? सो so, आपने इनमें से जिस भी रिलेटेड ट्रेड से किया मिनिमम परसेंटेज लेकिन सिक्सटी परसेंट ही रखी गई है सो so, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे एज लिमिट अठारह से चौबीस साल रखी गई है जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा सिलेक्शन मेथड इसमें दिया गया है सिलेक्शन विल बी कंसिस्ट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट एंड इंटरव्यू लिया जाएगा ओके एंड स्कोप ऑफ ट्रेनिंग सो यहाँ पर आप डिटेल ये देख लेंगे आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग आपकी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में आपकी पोस्टिंग जो रहेगी उसमें साइंटिफिक असिस्टेंट सी लेवल सेवल से चवालीस हजार नौ सौ एंट्री पे आपको मिलेगी ठीक है यहाँ पर बॉन्ड भी दिया गया है सो चार लाख आठ हजार यहाँ पर रहा है ये आप एक बार डिटेल जरूर चेक कर लीजिएगा एंड ड्यूटीज नेचर यहाँ पर दिया गया है वो भी आप एक बार चेक करेंगे सेकंड है स्टेप स्टेपेंड्री ट्रेनि कैटेगरी सेकंड के लिए टोटल 36 पोस्ट हैं एस सी एस टी ओ बी सी ई डब्ल्यू एस एंड अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए फर्स्ट में आपको पर मंथ यहाँ पर दस हज़ार पाँच सौ फर्स्ट ईयर के लिए एंड सेकेंड ईयर जब ट्रेनिंग चलेगी तो बारह हज़ार पाँच सौ हर महीने आपको दी जाएगी इसमें केमिकल प्लांट ऑपरेटर फिटर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक इलेक्ट्रिकल कारपेंटर डॉक्टर्समैन सिविल एंड डॉक्टर्स मैकेनिकल एंड मैसोन के लिए है साथ में ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है मिनिमम सिक्सटी परसेंट मार्क्स के साथ एच एस सी ट्वेल्थ विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या फिर आपका सिक्सटी परसेंट है एस एस सी टेंथ में विथ साइंस एंड मैथमेटिक्स ओके एंड जो फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मैकेनिक इलेक्ट्रिकल कारपेंटर ड्रॉप्समैन के लिए जो है उसमें आपका टेंथ में सिक्सटी परसेंट है साइंस एंड मैथ से और साथ ही में आपने आई किया हुआ है रिलेटेड uh, ट्रेड से तब आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे एज अट्ठारह से बाईस साल रखी गई है सिलेक्शन मेथड क्या रहेगा वो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रिम प्री uh, टेस्ट होगा उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा डिटेल के लिए आप एक बार जरूर uh, देख लीजिएगा नोटिफिकेशन या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बता दूंगी ओके okay, इसमें आपका जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है सक्सेसफुल देन आपका जो पोस्टिंग रहती है उसमें टेक्नीशियन बी एंड टेक्नीशियन सी का रहेगा लेवल तीन एंड चार से इक्कीस हजार सात सौ और पच्चीस हजार पाँच सौ पर मंथ एंट्री पे इसमें भी बॉन्ड वगैरह दिया गया है सो वो भी आप एक बार चेक कर लेंगे ठीक है नेक्स्ट यहाँ ने पर है टेक्नीशियन बी वाले अटेंडेंट के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए इसमें SSC plus second class certificate मांगा गया है है से साल एज लिमिट रखी गई है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो प्री टेस्ट होगा एडवांस टेस्ट होगा एंड देन स्किल टेस्ट होगा ओके डिटेल के लिए आप जरूर चेक कीजिएगा वर्क असिस्टेंट जो पोस्ट है उसमें जो वैकेंसी है टोटल ट्वेल्व है एस सी एस टी इसमें 10th टेंथ पास मांगा गया है सिर्फ और सिर्फ टेंथ पास कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो सैलरी आपको जो एंट्री पे दिया जाएगा वो अट्ठारह हज़ार प्लस अलाउंसेज एडमिन एडमिजिबल अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली रहेगा इसमें वो जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी आ, पहले हम एज लिमिट देख लेते हैं अठारह से सत्ताईस साल है जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो प्री टेस्ट होगा एडवांस टेस्ट होगा इसमें ओके अब हम यहाँ पर देखें एज क्राइटेरिया तो रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं थ्री ईयर से लेकर के फाइव ईयर फिफ्टीन ईयर थर्टीन ईयर सो आप अपनी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसको चेक कर लीजिएगा एंड ये जो सेंसल uh, क्वालिफिकेशन है एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो लास्ट डेट जो रहेगी यानी इक्कीस एक सॉरी बाईस एक दो तक ही वैलिड रहेगा सो so, आपका जो काउंट किया जाएगा वो 22 एक 2021 तक काउंट किया जाएगा एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बताया चार एक 2021 है लास्ट डेट 22 एक 2021 है इसको आप ऑफिशियल साइट पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ठीक एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फीस डेढ़ सौ रुपए रखी गई है फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के लिए एंड इसके अलावा जो भी कैटेगरीज है सभी के लिए जो वैकेंसीज निकली हैं वो है उसके लिए जो एप्लीकेशन फीस रहेगी वो हंड्रेड रहेगी एंड जो भी एस सी एस टी कैडिग्रीज हैं पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट हैं सर्विस मैन है एंड फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होगी ओके okay? सो so यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं कौन कौन से आपको रिक्वायर्ड रहेंगे वो आप यहाँ पर डिटेल में एक बार चेक कर लेंगे सो so फ्रेंड्स अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं टेंथ ट्वेल्थ आईटीआई एंड डिग्री होल्डर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगा थैंक यू